धरती पर भूकंप आना कोई नई बात नहीं है, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि पृथ्वी की तरह चांद पर भी भूकंप आता है, भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम ने ये जानकारी दी है कि चांद पर प्राकृतिक भूकंप को रिकॉर्ड किया गया। जो जानकारी वहां से मिली है उसके मुताबिक चंद्रमा पर भूकंप की संभावना के संकेत मिल रहे हैं और इसरो में इसकी जांच भी चल रही है। अब आपको बताते हैं कि चांद पर भूकंप कैसे आता है और इसका पृथ्वी से क्या कनेक्शन है। चांद पर और पृथ्वी पर भूकंप के पीछे एक करीब करीब एक ही कॉमन प्रिंसिपल होता है और वो है टेक्टोनिक प्लेट्स। ये प्लेट्स बड़े टुकड़ों में बांटे हुए हैं और जब वे आपस में टकराते हैं तो सतह पर कंपन होता है और इससे सतह के हिलने का एहसास होता है, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में भूकंप भी कहते हैं। जी हाँ, चांद और पृथ्वी पर इसका प्रभाव अलग अलग होता है। चांद पर भूकंप धरती के मुकाबले ज्यादा तेज हो सकता है, ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है और वैज्ञानिकों का मानना है कि चांद पर होने वाले भूकंप की तेजी दोगुनी या तीन गुनी हो सकती है। आपको बता दें कि मंगलवार को दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत में आए भूकंप के झटके ने सबको खौफ में डाल दिया। दिल्ली NCR में दोपहर 2:52 पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे और भूकंप की तीव्रता 6.2 रही थी। इसके एपिसेंटर नेपाल में 1 घंटे के भीतर 3 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए और देश के पश्चिमी हिस्सों में 6.3 और 5.3 तीव्रता का तेज भूकंप आया था। इसकी वजह से कई इमारतों को नुकसान भी पहुंचा।